अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, श्रीरंगाप्पा बारने तिसरी बार खासदार, असा आश्वासक पाठिंबा विविध समाज गटाने देत मताधिक्य देण्यासाठी रणशिंग फुंकले. रविवारी गुजराती आणि राजस्थानी समाजाने पुन्हा पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी तर श्रीरंग बारणे यांना खासदार बनवण्याचा निर्धार केला. गुजराती आणि राजस्थानी समाजाची बैठक खारघर येथे पार पडली. पुन्हा मोदी सरकार केंद्रात येणार आहे आणि त्या अनुषंगाने सर्वसामान्य माणसाचा आणि देशाच्या विकासाचा आलेख आणखी उंचावणार आहे. त्यामुळे या विकास चे साक्षीदार होण्यासाठी मतांची आघाडी देण्याचा निर्धार यावेळी सर्व समाजाकडून करण्यात आला. या बैठकीला भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे, आरपीआय, रासप, बीआरपी आणि मित्रपक्ष महायुतीचे उमेदवार खासदार श्रीरंग बारणे, भाजपचे मावळ लोकसभा निवडणूक प्रमुख आमदार प्रशांत ठाकूर, भाजपचे प्रदेश सदस्य बाळासाहेब पाटील, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख रामदास शेवाळे, भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस नितीन पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस शिवदास कांबळे, माजी महापौर कविता चौतमळ, शिवसेनेचे महानगरप्रमुख प्रथमेश सोमण, गुजराती आणि राजस्थानी समाजाचे मान्यवर मंडळी कांतीभाई पटेल, निलेश पटेल, कग्गाबाई पटेल, अशोक पटेल, हसमुख पटेल, सुजाराम चौधरी, हक्काराम चौधरी, मोतीलाल जैन, विनोद बाफना, जे पी पटेल, देवजीबाई पटेल, दिनेश पटेल, आशिष पटेल, आर पी जैन, कमल कोठारी, संजय जैन, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, सचिन शाह, अंजुबेन, प्रवीण बेरा, बीना गोगरी, कुणाल सांघानी, हसमुख सांघानी, खारघर मंडळ अध्यक्ष प्रवीण पाटील, विजय पाटील, दीपक शिंदे, प्रसाद परब, संध्या शारबित्रे यांच्यासह गुजराती आणि राजस्थानी समाजाचे नेते कार्यकर्ते उपस्थित होते. देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रूपात सक्षम नेतृत्व काम करत आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा सरकार येण्यासाठी खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या विजयाची हॅट्रिक करणार असल्याची आश्वासक ग्वाही या बैठकीत समाजाने दिली. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाचा विकास होण्याबरोबरच देशाची संस्कृती आणि परंपरा वृद्धिंगत आणि संवर्धन करण्याचे काम झाले आहे, तसेच भ्रष्टाचार संपवण्याचे काम केले आहे. म्हणून देशाच्या भविष्यासाठी पुन्हा नरेंद्रजी मोदी यांना पंतप्रधान करा असे आवाहन केले. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आपल्या भाषणात समाजाचे प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक सेवेचा वसा समाजाकडे आहे, समाजाच्या उन्नतीसाठी आग्रही राहिलेल्या या समाजातून विविध समाज उपयोगी उपक्रम राबवले जातात. वर्षभरात कोणीही सुट्टी न घेता काम करणारे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी देशाचाच नव्हे तर संपूर्ण विश्वाचे गौरव आहेत. मावळ लोकसभा मतदारसंघात 25 लाखापेक्षा जास्त मतदार आहेत, त्यामुळे प्रत्येक घरोघरी उमेदवार पोहोचणार नसले तरी प्रत्येक विभागात ते पोहोचले आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत या विभागाने मला मतांची आघाडी मिळवून दिली आहे. त्याचप्रमाणे महायुतीचे उमेदवार खासदार श्रीरंग बारणे यांना मताधिक्य द्या असे आवाहनही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. तर भाजपचे प्रदेश सदस्य बाळासाहेब पाटील यांनी आमदार प्रशांत ठाकूर यांना या विभागातून लीड मिळाला आहे आणि त्याच धर्तीवर आप्पा बारणे यांनाही मतांची आघाडी मिळणार आहे. हा विजय 3 लाख मतांच्या आघाडीने झाला पाहिजे, यासाठी सर्वांनी प्रयत्नशील राहावे असे आवाहन केले. मुझे इस बात पर खुशी है कि आप सभी व्यापारी एक मिलकर या खारघर में या पनवेल में काम करते रहते ठाकुर फैमिली के नेतृत्व में, खासकर रामशेठ ठाकुर, प्रसन्न जी ठाकुर, इनका बड़ा सहयोग होता है. मुझे अभी 10 साल में बहुत बड़ा सहयोग उनका मिला है. उनके परिवार सरीका मेरा संबंध रह चुका है, आपका भी रहेगा. मुझे ये खुशी है कि इस क्षेत्र से बिल्कुल यहाँ रहने वाले जितने व्यापारी हो या अन्य व्यवसाय करने वाले हो, उनको उनका मुझे मेरा और ठाकुर जी, प्रशांत जी का कोई तकलीफ नहीं. मुझे 10 साल में देखा रहेगा, मैं किसको फोन भी किया नहीं रहेगा इस बारे में. देखिए, सबको सपोर्ट करना, जैसे कि मोदी जी के नेतृत्व में हर नागरिक इस देश का खुशी से रहे, उसको संरक्षण मिले, जो व्यवसाय करता है उनको व्यवसाय ठीक से चले, ये मोदी जी का नेतृत्व में सब देश में काम चल रहा है. मैं ये वे भी बात करना चाहता हूँ कि कई 10 साल में मैं कई कमेटी में काम किया है, जैसे कि फाइनेंस कमेटी का स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य रह चुका हूँ, डिफेंस कमेटी में काम किया हूँ और राज्य भाषा समिति का 10 साल में काम किया. देश भर की सभी, अपना अकेला देश है भारत की, अपने देश में कई सारे जाति धर्म, कई सारे लोग रहते हैं, उनकी भाषा रहनी चाहिए. जैसे कि गुजरात में गुजराती रहनी चाहिए, राजस्थान में राजस्थानी भाषा होनी चाहिए. मेरे साथ एक फैमिली जुड़ी थी, मारवाड़ी फैमिली,
और उनके बच्चे इंग्लिश में बात करते थे। मैंने उनको कह दिया कि उनको अभी अपनी अपनी भाषा नहीं आती क्या उनको मारवाड़ी, तो नहीं सभी इंग्लिश बात करते। अंग्रेजी बात करने वाले मतलब आगे चलकर तो पूरी भाषा ही नहीं बोली जाएगी। तो भाषा का संवर्धन करने के लिए माननीय अमित जी शाह के नेतृत्व में कमेटी बनी, वो अध्यक्ष है, मैं उन कमेटी का सदस्य रह चुका हूँ। और सभी अपने देश में मुझे मोदी जी ने क्या किया है मैं ये बताना चाहता हूँ। देश के अन्य राज्यों में जो क्षेत्रीय भाषा है, अन्य भाषा है, उनको भी बढ़ावा देने का काम मोदी जी ने किया है। तो ये काम किसी सरकार ने नहीं किया। पश्चिम बंगाल में हिंदी का प्रयोग नहीं होता, तमिलनाडु में हिंदू का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता। अन्य भाषा का संरक्षण करना ये काम मोदी जी ने किया है। काम तो विकास का काम तो दुनिया के अन्य देशों से मोदी जी ने बहुत सारा किया है। आगे चलकर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आएगी जरूर, लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सरकार जो काम कर रही है, मिलजुल के गठबंधन की सरकार काम कर रही है, इस महाराष्ट्र में रहने वाले हर नागरिक को संरक्षण देने का काम, उनका सहयोग देने का काम सरकार कर रही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 13 मई को वोटिंग है, आप सभी जानकार है, बुजुर्ग है, सब जानते हैं, सभी ने कई सारे चुनाव देखे और कई सारे पार्टी भी देखी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत का विकास हुआ है वो कई 60-70 साल में नहीं हुआ, 70-60 साल में, और मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में, मुझे मैं केंद्र में इस 10 साल में रह चुका हूँ संसद होने के नाते, जितना केंद्र का भ्रष्टाचार था, केंद्र सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ वो बिल्कुल खत्म करने का काम मोदी जी ने किया है। ये काम सबसे देश के लिए बढ़िया काम किया है। तो आगे चलकर आने वाले 13 मई को वोटिंग है, बड़ी ज़्यादा करकर धूप है बाहर। बाला साहब पाटिल ने बताया मैं कल 12 घंटे धूप में खड़ा था, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक मीटिंग चल रही थी, 10 बजे रात को मेरा और प्रशांत जी का भाषण खत्म हुआ 10 बजे। तो 12-13 घंटे धूप है, सुबह जल्दी उठकर जल्दी वोटिंग बूथ पर जाके सभी ने मतदान करना चाहिए। देश के लिए हर नागरिक का तो कर्तव्य वोटिंग करना, क्योंकि ये लोकशाही का उत्सव है। लोकसभा चुनाव ये देश के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है, बाकी चुनाव का छोड़ दो लेकिन देश का चुनाव है, देश के चुनाव के लिए सभी ने भाग लेना चाहिए। मैं यही करना चाहता हूँ, मैं उम्मीदवार होने के नाते सबको ये आश्वासित करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में मेरे से एक काम कम होगा लेकिन गलत कोई नहीं होगा। आने वाले चुनाव में सभी ने मेरी निशानी है मनुष्य बाण तीर कमान, तो आने वाले चुनाव में सभी ने देश के प्रति वोट करके, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके मुझे फिर तीसरी बार, जैसे कि तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी पंतप्रधान, तो तीसरी बार फिर से बारने खासदार यहाँ उपस्थित सभी लोग, सभी आए हुए सभी समाज के प्रतिनिधि पूरी तरह से वोटिंग करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में फिर से तीसरी बार आपके बलबूते पर, आपके आशीर्वाद पर फिर से संसद में जाऊंगा और प्रशांत ठाकुर जी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव भी 3 महीने के बाद होने वाला है। जैसे कि ये रंगीत, मराठी में बोलते रंगीत ताली में, तो आने वाले चुनाव में मुझे जितने वोटों से चुन के देंगे उसके उससे ज्यादा वोटों से प्रशांत जी को चुन के देंगे, मुझे विश्वास है। फिर से मैं सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, यहाँ रुकता हूँ, धन्यवाद। यहाँ मैं इतना बोलता हूँ कि ये खारघर से पहली शहर की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, प्रचार की शुरुआत खारघर से हुई है और यहाँ आने के बाद हमारे बीना ताई ने जो चंदन तिलक लगाया, उसके बाद विजय तिलक लगाया और जब विजय की रैली लगेगी,
कभी कौन सा तिलक लगेगा मुझे पता नहीं बिना भाई, लेकिन जब विजय उत्सव शुरू होगा वो भी खारगर से ही शुरू होगा। मैं खारगर के लिए इतना इसके लिए बोल रहा हूँ, खारगर हमारे प्रशांत जी यहाँ बैठे हैं, हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनने के लिए जो शुरुआत हुई प्रशांत जी की, विजय की लीड की शुरुआत हुई 2014 में, मेरे 19 में 14 में, तो खारगर से ही हमें लीड मिला। और ये लीड अपोजिशन वाला किसी ने भी तोड़ नहीं पाया, उसका मैं साक्षीदार हूं, मैं काउंटिंग एजेंट भी था। तो इतना गर्व हमें एक खारगर पे है, और इतना लोगों ने अभी पुष्पगुच्छ दिया, गुलाब का पुष्प दिया, मैंने इतनी सभा हुई, इतनी मीटिंग हुई, इतनी रैली हुई, इतना सत्कार सम्मान इतना लोगों ने किया। विजय रैली में कुछ बचा है क्या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन विजय रैली से भी ज्यादा सम्मान बांडे साहब का किया। यहाँ अपने को सभी को मालूम है कि आपको बताने की जरूरत नहीं कि मोदी जी को क्यों चुन के देना है, मोदी जी नहीं तो देश नहीं है। 365 दिन एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला, नो संडे नो मंडे, नो सर्दी नो खोखला मराठी में बोलते हैं, एक भी दिन नहीं छुट्टी लेने वाला, वर्ल्ड में पहला कोई प्राइम मिनिस्टर आए तो देवेंद्र। हम लोग जब दिवाली दशहरा यहाँ उत्सव यहाँ मनाते हैं तो मोदी जी को हम टीवी पे देखते हैं बॉर्डर में माइनस डिग्री में सोल्जर के साथ वर्दी बैठे, ऐसा पंतप्रधान प्रधान सेवक हमें बहुत भाग्य से मिला है। और हमें चुन के तो आने वाले है, 400 तो पार होने वाला है, अनपोज तो गुजरात शुरू हो गया, लेकिन 400 पार में हमारे श्रीरंजी बाने साहब कहाँ रहेंगे, कितने वोटों से आएंगे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 400 पार तो होने वाला है, लेकिन इस छत्रपति की इस भूमि से ये हमारा एक मावड़ा नरेंद्र मोदी जी के ताकत के लिए दिल्ली के तख्त पे जाना चाहिए, और वो भी कैसा, 2,23,000 से 2019 में जीत हुई थी याद है सभी को, अभी आपको 3,00,000 से ज्यादा जाना है तो ही जीत का कोई सम्मान। और इस महाराष्ट्र में मैं बोलता हूँ 6 के 6 MLA महायुति के हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा में चिंचोड़ हो, पिंपरी हो, मावड़ हो, ये उरन हो, करजत हो या पनवेल हो, यहाँ 6 का 6 MLA महायुति के है, ध्यान में रखो। हमें मौका है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मताधिक्य श्रीरंग बाने सब काम कर दे पाए तो सच में हम बोल सकते हैं मोदी जी को देखो एक छत्रपति की जन्मभूमि से एक मावड़ा हम लोगों ने एक अगवा झंडा आपके लिए भेजा है, वो भी पूरा ताकत के साथ। साल में कई बार चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हुआ या उसके साथ साथ हेल्थ चेकअप कैंप हुआ, समाज के माध्यम से कोई आपदा कभी आई वो उनके लिए कार्यक्रम करना हुआ, हमारे विजय पाटिल जी यहाँ पर बैठे हैं कि हर वक्त समाज के लोगों को कभी भी उन्होंने कोई सामाजिक कार्य के लिए बुलाया तो कभी भी समाज के लोगों ने हाथ पीछे नहीं रखा। जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण का कार्य था तो उस वक्त भी सबसे ज्यादा वहां पर अगर हिस्सेदारी वहां पर डोनेशन की भी किसी ने दिखाई तो उसमें भी ये दोनों समाज अग्रणी रहे, इसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि यहाँ पर बताया आशीष जी ने बताया, कांति भाई बता रहे थे कि ये आंदोलन हुआ, ये आंदोलन में भी हर बार समाज के लोग आगे रहे, तो ऐसे में मुझे गर्व है कि जो देश के साथ आगे चलते हैं और आज देश को जिनके ऊपर गर्व है, पूरी दुनिया जिनकी तरफ यहाँ पर सम्मान के साथ में देखते हैं, चाहे नरेंद्र भाई हुए चाहे अमित भाई हुए, उनको रिप्रेजेंट करने वाले हमारे इस पनवेल क्षेत्र के लोग आप लोग हैं, तो आप लोग की तरफ देखकर आज पनवेल वोट करने वाला है, आपका शहर वोट करने वाला है, आपकी सोसाइटी वोट करने वाली है। मेरी दरख्वास्त है आप सभी से, हमने देखा है हम लोग हॉल में बैठे हैं, हमने देखा है 2 चरण का वोटिंग हो चुका। मैं मीटिंग शुरू होने से पहले कुछ डिस्कशन चल रहा था कि पहले 2 चरण में वोटिंग कुछ हद तक कम हुआ, क्यों हुआ,
क्योंकि लोगों में विश्वास है जीतेगा आएगा तो मोदी, तो ये तो विश्वास हो गया। और इसके लिए क्या है, हर कोई सोच रहा है वो जो थी ना वो कथा शंकर भगवान को जो दूध चढ़ाएगा तो अकाल दूर हो जाएगा, पर हर कोई सोचता है बाकी लोग तो चढ़ाने वाले अपना पानी चढ़ा दे, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। बाकी किसी का वोट ना हो, हो ना हो, हमको हमारा वोट करना है, हमारे परिवार के लोगों का वोट करना है, हमारे दोस्त भाई लोग को बोलना है कि छुट्टियां तो आती रहेंगी, छुट्टियां हम लोग साल में 4 बार ले सकते हैं, ये नहीं है कि मई महीने में और अभी 13 मई से पहले ही हमको छुट्टी लेनी है। जो छुट्टी है लेनी है 13 तारीख एडजस्ट करके छुट्टी ले लो। जो वोटिंग करनी है 400 पार अगर जाना है तो खारगर में, पनवेल में, मावल में हमको यहाँ पर बारने साहब को जिताना है, और वो जिम्मेदारी मैं समझता हूँ अगर आप सब लोग अपने जिम्मे पर ले लोगे तभी मोदी जी वहां पर शान के साथ प्रधानमंत्री बन पाएंगे। और इसके लिए मैं आप सभी लोगों से यही दरख्वास्त करता हूँ, कई सारे मोदी जी के कारनामे काम हम पिछले 10 सालों में देख चुके कि जिसके ऊपर दुनिया को गर्व है पर जिसके ऊपर गुजराती समाज को, राजस्थानी समाज को गर्व है, ऐसे हमारे नेता इनका सर शान के साथ अगर ऊंचा रहना है तो हमको, हम जिस बूथ में वोटिंग करते हैं उस हर बूथ में हमको बारने साहब को लीड हासिल करा के देनी है। जैसे बताया गया इसके पहले हर चुनाव में आपने ये जीत हासिल करके दी है, देवजी भाई बता रहे थे, चाहे महापालिका का चुनाव हो, नगर विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, इसके पहले हर बार आपने करके दिया, ये रिकॉर्ड कोई और टूटने ना दे, ये भी जिम्मेवारी आप सभी की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी करके रहेंगे। आप सभी ने आज यहाँ पर आकर हमारा हौसला बढ़ाया। मैं सबसे निवेदन करूंगा राजस्थानी समाज से और गुजराती समाज से कि जिन जिनको भी वोट का अधिकार है पहले तो वो अपना उपयोग जरूर करें। ये अपने लिए एक सुवर्ण अवसर आया हुआ है। जब हम हमारे नरेंद्र जी मोदी का जो 10 साल से कार्यक्रम कर रहे हैं, आप सबको विदित है कि नरेंद्र जी मोदी के जो कार्यक्रम आप जानते हैं वो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। जिस सूर्य को 10 साल से चमक रहा है उस सूर्य को और मजबूत करने के लिए और उसका प्रकाश हर गरीब व्यक्ति के घर में पहुंचे, हर गरीब का उसका स्वागत, गरीब जो व्यक्ति हैं उनको ऊपर उठाने के लिए जो उनके कार्यक्रम चल रहे हैं उसके अंदर हमको सहयोग देना है तो हमें मोदी जी के हाथ को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और समाज के हर व्यक्ति से मैं यही अनुरोध करूंगा यदि मोदी जी का हाथ मजबूत करना है तो ये एक सुनहरा अवसर है, ऐसा अवसर कभी जाने मत देना। किसी भी दशा के अंदर वोटिंग जरूर करना, वोटिंग का जो अनूठा अवसर आपके पास में आया हुआ है बस इसको अपना जरूर जरूर उपयोग करना और धनुष बाण के ऊपर सिक्का मारकर मोदी जी के हाथ को मजबूत करना, मेरा सबसे यही निवेदन है विशेषकर। और साथ ही आप तो समझदार हैं, व्यापारी भी हैं, इसमें सब ज्वेलर्स भी आ गए, बिल्डर भी आ गए, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि व्यापार के अंदर या किसी भी व्यक्तियों को अपने गरीबी से ऊपर उठाने के लिए जो मोदी जी के कार्यक्रम चल रहे हैं, आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज बहुत खुश है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, किसी भी समाज का व्यक्ति है वो मोदी जी के कार्यक्रम से बहुत ही प्रसन्न है। अतः मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि अपन व्यापारी लोग हैं, अपना भी बहुत ही फायदा ही फायदा है, इस फायदे को ध्यान में रखते हुए भी मोदी जी के हाथ को बलिष्ठ करने के लिए अपना वोट धनुष बाण पर देकर मोदी जी के हाथ को मजबूत किया जाए और मोदी जी जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उनके अंदर हम पूरा सहयोग देवे जिससे हमारा भी फ्यूचर आगे इसी तरह आगे बढ़ता जाए। और ये मौका किसी भी हालत में आप गंवाना नहीं और वोटिंग जरूर जरूर देना, किसी भी परिस्थिति के अंदर वोट आपको देना है। 13 तारीख का दिन आपके लिए फिक्स किया गया है, सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक, अतः उस टाइम के अंदर आप कहीं पर भी हो वोटिंग देने के लिए जरूर पधारें और मोदी जी के हाथ को मजबूत करने में सहायता दें। जय जितेंद्र, जय महावीर, जय भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। जो भगवान राम का है, जो भगवान
राम का है वो इसके अंदर जरूर जरूर मोदी जी को वोटिंग देने के लिए सहायता करेगा और भविष्य के अंदर अपने जीवन को हिंदू समाज के अग्रसर जितने भी भाग्यशाली लोग हैं उनको आगे बढ़ाने में पूरी पूरी मदद करेगा। ये सुनहरा मौका बिल्कुल हाथ से गवाए नहीं और मोदी जी के अलावा किसी को भी वोट देने की कोशिश करे नहीं और जो भी उसको अलग दिशा में जा रहा हो उसको भी मोदी जी को वोट देने के लिए तत्पर करें। ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना आपको देता हूं और आप वोटिंग देकर मोदी जी का हाथ को सौगल बनावे। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।